तो आज हम बात करेंगे यूएस के फेड के इंटरेस्ट रेट डिसीजन पे जो हुआ कल रात को। तो मार्केट्स एज सच रिएक्ट नहीं किए हैं कल रात के डिसीजन पे, तो आज हम समझेंगे कि मार्केट ने क्यों रिएक्ट नहीं किया और आगे क्या लग रहा है मार्केट का हाल। ठीक है, तो आज हम मेनली कल के इंसिडेंट पे बात करेंगे और हम एक और टेक्निकल एनालिसिस टूल्स देखेंगे हम। ठीक है, तो आज हम पहले देखते हैं कि मार्केट की क्या पोजिशनिंग थी इस इवेंट के पहले। तो अगर आप देखो मार्केट की पोजीशनिंग ये थी कि 25 बिप्स हाइक ऑलमोस्ट 99% लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक 25 बिप्स का हाइक आने वाला है, और उस हिसाब से कल एक रात को 25 बिप्स का ही हाइक आया। इसीलिए जो 25 बिप्स हाइक का अनाउंसमेंट था उसमें कोई भी आपको कोई भी सरप्राइज नहीं मिला। मार्केट एज सच रिएक्ट नहीं की 25 बिप्स के लिए क्योंकि वो एक्सपेक्टेड था। पूरा ध्यान था कि कॉन्फ्रेंस पे क्या बात किया जाएगा। ठीक है, तो मार्केट कल के इवेंट के पहले चली कि कोई भी कट नहीं होने वाला है 2023 में, और उसी तरह जेरोम पॉवेल ने भी वही कहा कि कट का कोई चांस नहीं है क्योंकि उनके हिसाब से जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स 0.25 से 5.5 तक बढ़ाया है पर टाइटनिंग अभी तक हुई नहीं है। तो देखो एक चीज दोस्तों समझो कि इकोनॉमिक्स में कैसा है कि अगर आप रेट बढ़ाओ इसका मतलब ये नहीं कि इमीडिएटली वो पास ऑन होता है। जनरली जब रेट बढ़ते हैं तो रेट पास ऑन होने के लिए टाइम लगता है, तो जनरली ये लोग बोलते हैं 12 से 14 महीने का टाइम लगता है। तो आज जो आप 5.5% का रेट यूएस में देख रहे हो इसकी पूरी इफेक्ट आपको अगले साल दिखेगी, अभी नहीं दिखेगी। इसलिए मार्केट ऐसा इग्नोर करती है, मार्केट हॉकिश वे में नहीं लेती है क्योंकि मार्केट को पता है एक लैग आएगा और एक एक्सपेक्टेशन है लोगों की कि जब तक ये 5.5% का रेट इंपैक्ट आएगा तब तक फेड रेट कट करना शुरू कर देगी। तो लेट्स सी वो किस तरह चलता है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन तो यही है पर रियलिटी अलग भी हो सकती है। ठीक है, इन्फ्लेशन डेटा जो पिछले महीने आई काफी बिलो एक्सपेक्टेशंस आई है एंड मार्केट काफी खुश थी उस डेटा से। और कल फेड ने ये भी कहा है कि अगले एफओएमसी मीटिंग जो सितंबर में होगी उसके पहले 2 से 4 डेटा पॉइंट्स है जो आएंगे। 2 CPI रीडिंग्स आएंगे, 2 PCE रीडिंग्स आएंगे, जीडीपी ग्रोथ के रीडिंग्स आएंगे। सो ओवरऑल आपको काफी हद तक डेटा मिलने वाला है अगले 2 महीने में जिसपे फेड अपना डिसीजन लेगी। तो एज सच उन्होंने बोला कि अगले इसमें क्या वो लोग करने वाला है ये उन्होंने कोई क्लियर साइन नहीं दिया और मार्केट उस पर खुश हुई। अगर आप देखो स्टॉक्स कल डेज लो से डेज हाई चले गए, नैसडैक और डाउ जोन्स, और रीजन यही था कि उन्होंने वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सितंबर में एक और हाइक आएगा पर कल उन्होंने बोला कि हम अभी कुछ कह नहीं सकते, हम सितंबर का डिसीजन अगले 2-4 डेटा पॉइंट को देख के करेंगे अगले 1.5 महीने में। तो ओवरऑल इसलिए मार्केट कल पॉजिटिव थी क्योंकि ये एक डविश सिग्नल माना गया और मार्केट ऊपर गई। अगर आप देखो स्टॉक्स पिछले 3-4 महीने से काफी हद तक ऊपर चल रहे हैं एंड सारे इंडाइसेस और स्टॉक्स ऑलमोस्ट 52 वीक हाइस पे है। तो यहाँ पे अगर अगर आपको लगा कि फेड के इससे कुछ चेंज हो सकता है तो नहीं, एट दिस पॉइंट ना कोई डेटा पॉइंट और ना ही कोई फेड का डिसीजन इस बुल मार्केट को रोक सकता है। अगर कोई चीज रोक सकता है तो कोई इवेंट जैसे ब्लैक स्वान इवेंट होते हैं जहाँ पे कोई जैसे हमने मार्च में बैंकिंग क्राइसिस देखा था या कोई बड़ा ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इश्यू हो जाए। अदर देन दैट ये बोल मार्केट रुकना बहुत ही मुश्किल है इस वक्त पर। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि मार्केट पोजीशन इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से देखते हैं। तो जैसे मैंने कहा इक्विटीज वन वे रैली कर चुकी है एंड यहाँ काफी हद तक सारे मार्केट्स एक्सपेंसिव हो चुके हैं। हमने लास्ट वीक देखा कि ओवरऑल सेंटिमेंट बहुत बुलिश है और ग्रीड और फियर में ग्रीड अभी 100 में से 82-83 लेवल्स पे है, और इस लेवल पे नया पैसा डाल के पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ से अगर थोड़ा सा भी एक इवेंट आता है जिसमें फियर है तो मार्केट बहुत जल्दी करेक्ट कर सकती है। तो इसलिए अभी हम वो स्टेज पे जहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के ट्रेड करना चाहिए। गोल्ड एंड सिल्वर अगर आप देखो पिछले कुछ महीने थोड़े से शांत थे आफ्टर जो हमने जैन टू मार्च में जो मूव देखा गोल्ड और सिल्वर में,
उसके बाद थोड़ा शांत हो गया, बट अभी पिछले कुछ हफ्ते से वापस एक मूवमेंट आ रही है, और इनको हम चार्ट्स में भी समझेंगे कि किस तरीके का मूवमेंट है। बॉन्ड यील्ड ऊपर थे, पर कल के डिसीजन के बाद वापस बॉन्ड यील्ड नीचे चले गए। तो मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो 4% के आसपास है। अगर वो 4 के ऊपर जाता है तो ओवरऑल इक्विटीज और रिस्क एसेट पे प्रेशर आता है, बट कल आफ्टर द डिसीजन वो भी 3.8 3.7 की तरफ चला गया, जो एक बड़ा पॉजिटिव था मार्केट्स के लिए। बॉन्ड क्रिप्टो करेंसीज ऊपर है, 30-31 हज़ार के आसपास बिटकॉइन चल रहा है। अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हो, क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, तो आप देख सकते हो कि 35 हज़ार एक अच्छा रेजिस्टेंस है बिटकॉइन के लिए, एंड सपोर्ट 24 से 25 हज़ार के आसपास आता है। ऑयल काफी अच्छा कर रहा है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखो जो सप्लाई कट्स ओपेक ने अनाउंस किया और बाकी सारे कंट्रीज कर रहे हैं, उसके चलते हुए ओवरऑल ऑयल के प्राइसेस को ऊपर पुश किया जा रहा है। एंड अभी तक मार्केट्स भी जब पॉजिटिव होते हैं तो एक रिस्क एसेट जैसा ऑयल भी एक बार आपको ऊपर की मूवमेंट देता है। डॉलर वीक होता जा रहा है, और कल अगर आपने देखा कि डॉलर और वीक हो गया, एंड अब आपको डॉलर में स्ट्रेंथ दिखना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि ओवरऑल सिनारियो डॉलर के खिलाफ ही चल रहा है। तो अनलेस आपको कोई बड़ा मूवमेंट दिखता है, बड़ा रिस्क आता है मार्केट में, डॉलर को ऊपर लाना बहुत मुश्किल है, डॉलर वीकनेस कंटिन्यू हो सकती है। अगर आप देखो येन काफी हद तक थोड़ा स्ट्रेंथन हुआ है लास्ट मंथ में, पर उसके पहले हम ऑलमोस्ट 150 के आसपास देख रहे थे, बट अभी 140 का लेवल आ चुका है। तो अभी फ्राइडे को बैंक ऑफ जापान का मीटिंग है, अगर बैंक ऑफ जापान के मीटिंग में उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो एक ग्लोबल मार्केट इंपैक्ट आ सकता है। तो अगर आप फेड को ज्यादा ध्यान दे रहे थे, मैं आपको बता दूं इस हफ्ते का सबसे बड़ा इवेंट कल होने वाला है, कल सुबह, तो उस पर जरूर ध्यान देना। सुबह 8:30 बजे इंडियन टाइम पे आएगा डेटा, तो अगर बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट माइनस से प्लस किया तो एक बड़ा आपको दिख सकता है ग्लोबल करेंसी मार्केट और बॉन्ड मार्केट में। तो उस पर जरूर ध्यान देना, क्योंकि कल वो काफी हद तक मार्केट मूविंग होने वाला है। आज आपको ईसीबी का रेट आपको मिल ऑलमोस्ट 1 घंटे में आपको वो रेट हाइक समझेगा, मोस्टली 25 बिप्स है, वो भी फैक्टर्ड इन है। तो ईसीबी से भी कुछ बड़ा एक्सपेक्टेशन है नहीं इन टर्म्स ऑफ चेंज। फेड के जैसे ही उनका आज रहेगा तो यूरो बहुत ही अच्छी तेजी में चल रहा है, जैसे पाउंड, एनजेडी, ऑड और कैड सारे चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ, तो थोड़ा चार्ट्स का हम एनालिसिस करते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में। तो पहले हम देखते हैं डॉलर को, तो आप देख सकते हो डॉलर कहीं ना कहीं ये वापस ट्रायंगल में आ रहा था, बट अब वापस नीचे की तरफ तोड़ने की कोशिश हो रही है। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखो तो आपको लगेगा कि ये एक्चुअली डॉलर अभी भी वो रेंज में ही है। तो जो ये यहाँ का ब्रेक था, एक फॉल्स ब्रेकडाउन था, बट ये फॉल्स ब्रेकडाउन कंफर्म करने के लिए डॉलर को 103 के ऊपर ट्रेड करना बहुत जरूरी है। जब तक ये 103 के ऊपर ट्रेड नहीं करता तो इसको एक फॉल्स ब्रेकडाउन नहीं कहा जा सकता है। ओवरऑल आपका सपोर्ट है 99.3 की तरफ, और आपका रेजिस्टेंस 102.2 से लेकर 102.7 की तरफ है। तो अगर आपको ये रेट्स पे कुछ मिलता है तो आप खरीद और बेच कर सकते हो। अगर ये 99.3 के नीचे जाता है तो 98 और 95 अगले लेवल्स है, तो काफी हद तक डॉलर वीकन और जल्दी हो सकता है। तो वो एक ध्यान रखना कि 99.3 के नीचे ये काफी अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है डॉलर में। अगर आप देखोगे नैसडैक, तो नैसडैक कल वापस एक बार वो चैनल में आ चुका है। अगर आप देखो ये अच्छा वेज बन रहा है, एंड राइजिंग वेज बन रहा है, ये जिस दिन टूटा आपको एक बड़ा फॉल दिखने वाला है नैसडैक में। ये अगर आप चार्ट्स के हिसाब से देखो कहीं ना कहीं अगस्त एंड सितंबर में ये चार्ट दिखा रहा है कि यहाँ पे एक फॉल आ सकता है, तो उसके लिए आप जरूर तैयार रहना, क्योंकि ये वेज जनरली जब भी टूटता है एक अच्छा खासा आपको 10-15% का डाउन मूव मिलता है। तो इस ट्रेड के लिए रेडी रहना जब भी आए, बट तब तक ये मार्केट वापस 16,000 और 16,500 के बीच में जाने की कोशिश करने वाला है, जो अगर आप देखो 52 वीक हाईज है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे नैसडैक में सेंटिमेंट्स अभी वीक हो चुके हैं। अभी आप देखो माइक्रोसॉफ्ट का रिजल्ट कल खराब आया, पर गूगल का रिजल्ट अच्छा है, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट इक्वलाइज हो चुका है। अब मेटा का रिजल्ट अच्छा है, इसलिए अगर आप देखो आज का जो नैसडैक का मूव है पूरा मेटा के ऊपर है। पर अगले हफ्ते आपको अगले थर्सडे एप्पल की रिजल्ट आएगी, अगर एप्पल का रिजल्ट डिसअपॉइंट करता है तो ये नैसडैक एक अच्छा खासा डाउन मूव दे सकता है यहाँ से। तो अगर आप बुलिश हो और अगर आप कॉज लेके बैठे हो तो थोड़ा संभाल के रहना इस काउंटर पे, क्योंकि ये काफी ओवरहीट हो चुका है। ठीक है, फिर आते हैं गोल्ड पे। जो हम गोल्ड में देख रहे हैं एक रिकवरी चल रही है, पर मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये चैनल से बाहर है। जब तक ये चैनल के बाहर है तब तक मैं गोल्ड में बुलिश नहीं हूँ,
मेरे हिसाब से अगर ये 1985-88 टूटता है तो 2000 एक बार आएगा, बट 2000 के ऊपर अगर स्ट्रेंथ दिखाया गोल्ड, तो फिर मैं मान सकता हूँ कि गोल्ड में एक प्रॉपर बाइंग कर सकते हो। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये पैटर्न के हिसाब से ये अभी भी ये चैनल के बाहर है, बट एक बार इसके अंदर आ जाए तो मेरे हिसाब से गोल्ड बुलिश हो जाएगा। बट तब तक मैं गोल्ड पे बेरिश हूँ, क्योंकि ओवरऑल अभी तक कोई सेंटिमेंट ऐसा नहीं दिखा रहा है कि गोल्ड 2000 और 2100 की तरफ है। अगेन एक कोई ब्लैक स्वान इवेंट हो तो गोल्ड में कुछ मूव आ सकता है, वरना मेरे हिसाब से 1985-88 और नीचे की तरफ 1910 ये रेंज में काफी हद तक रहेगा। अभी के टाइम में 85-88 रेजिस्टेंस है, उसके बाद का रेजिस्टेंस 2000 पे आता है, और सपोर्ट में आपका 1965 और 1955 के लेवल्स है। ठीक है, चलते हैं कैड की तरफ। तो कैड में हम देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छे सपोर्ट की तरफ आ रहा है, और कैड भी कहीं ना कहीं एक लो बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटे नीचे 1.315 के नीचे, तो एक एक बार हमको आपको 1.30 भी दिख सकता है। तो ये लेवल आप ध्यान रखना कि अगर ये 1.30 ये अगर टूट गया 1.315, तो एक 150 पॉइंट का नीचे का मूव आ सकता है यूएसडी कैड में। तो इसलिए ये लेवल काफी हद तक मेंटेन रहा है, तो वो संभाल के, और एक बार ये 132.50 के ऊपर चले जाए तो एक और बार एक बुलिश मूव आ सकता है कैड में। तो ध्यान से इसमें ट्रेड करना। सीएचएफ अगर आप देखो तो आखिरी सपोर्ट पे खड़ा है, तो 8550 है। अगर ये 8550 टूटता है आज के टाइम में, तो 8400 कंफर्म मूव आ जाए, ये 150 पॉइंट और नीचे की मूव आ सकती है, और वो 150 पॉइंट विल यू नो समवेयर एक कोलाइड करेगा विद डॉलर का 99 वाला मूव। तो ये एक मूव के लिए ध्यान रखना कि अगर ये मूव आए तो आप कैप्चर कर सकते हो 8550 के नीचे, और अगर यहाँ पे 8550 सपोर्ट ले तो ये वापस 8700 और 8750 का लेवल जब तक ये पार ना करे तब तक ये बुलिश नहीं होगा। 8740 से 50 के बीच एक अच्छा रेजिस्टेंस है, उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि सीएचएफ पॉजिटिव हो चुका है। अगर आप यूरो देखो तो कहीं ना कहीं वापस एक अप मूव की शुरुआत हुई है यहाँ पे, एंड मेरे हिसाब से अगर ये आज ईसीबी ने कहीं थोड़ा बुलिश कमेंट्स किया या कोई भी रेट हाइक में ऊपर नीचे हुई इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिवली, तो आपको ये 1.13 वाला लेवल बहुत जल्दी मिल सकता है यूरो में। इसलिए अगर आप यूरो शॉर्ट हो तो थोड़ा संभाल कर रहना, क्योंकि ओवरऑल मार्केट बुलिश है यूरो के लिए। तो अगर आपको, हाँ अगर आपको इधर नीचे 1.105 वाला मूव टूटता है तो फिर ये आपको वापस 109 के आसपास मिल सकता है, बट तब तक एक पॉजिटिव मूव यूरो में दिखाई दे रही है। अगर आप एनजेडी देखो तो ये रेजिस्टेंस पे है 63 के आसपास, तो 0.63 इसका बड़ा रेजिस्टेंस है, मेरे हिसाब से अभी भी ये कंसोलिडेट होगा नीचे की तरफ, तो आपको एक और मूव 62 के तरफ मिल सकता है एनजेडी में बिफोर सीइंग अ ब्रेकआउट। अबाउट 62.80 अबाउट 63 एक ब्रेकआउट मिल सकता है, तब तक ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होगा इस लेवल में। अगर आप और देखो तो और वापस रेजिस्टेंस पे आ गया है, जो इसका 68.40 का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे वो काफी हद तक उसको सेलिंग प्रेशर मिलती है, और अगला रेजिस्टेंस 6900 का है, और सपोर्ट में 6720 एक अच्छा सपोर्ट है, इसके नीचे 6650 का अच्छा सपोर्ट है। तो ये दोनों आप देख सकते हो। और में अगर आप पाउंड देखो तो पाउंड काफी हद तक कल अच्छा मूवमेंट दिया, और अभी भी अगर आप देखो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है, जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक बुलिश है। 1.30 अगला लेवल है, एंड उसके बाद 130-100 का लेवल है, सपोर्ट में 129.10 है और 128.40 है। तो ये दो सपोर्ट रख के आप ट्रेड कर सकते हो। पाउंड ओवरऑल बुलिश व्यू है। अगर आप जेपीवाई देखोगे तो जेपीवाई अभी एक और मूव मेरे हिसाब से 135.5 के तरफ जा सकता है। एक बार ये 135.5 आए तो आपको थोड़ी बाइंग करने की क्षमता मिलेगी, अनलेस, बट अभी बाइंग करना थोड़ा सा मुश्किल है। अनलेस ये 143.3 पार कर ले तब तक मैं इसको बुलिश नहीं कहूंगा, ओवरऑल जेपीवाई का ट्रेंड बेरिश ही है। अगर आप ऑयल में देखो तो ऑयल स्लोली एंड स्टेडली ऊपर मूव कर रहा है, बट ये 87 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक ये 87 पार नहीं करता तो मैं ऑयल को बुलिश नहीं कहूंगा। एंड सपोर्ट्स अगर आप देखो ये 72-73 लेवल के आसपास सपोर्ट है, अभी बुलिश ट्रेंड चल रहा है, बट 87 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ये काफी जल्दी ऊपर जा सकता है ऑयल का ट्रेड। ठीक है, अगर आपको और कोई भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता करना है या जानना है लेवल्स, तो आप पूछ सकते हो, बना वेबिनार के आप कंटिन्यू कर सकते। सो चलते हैं वापस इसमें। तो कल हमने ये देखा, अगर आप देखोगे कल हमारा पहला सिनारियो एनालिसिस प्ले आउट हुआ,
जहाँ पे हमने 25 बिप्स एंड पॉज का चांस देखा अगले इसके लिए। और अगर आप देखो कल एग्जैक्टली ये हुआ, डॉलर नीचे गया, इक्विटीज ऊपर गए, गोल्ड सिल्वर ऊपर गए, क्रिप्टो एंड मेटल्स भी ऊपर गए। तो ओवरऑल ये सिनारियो जनरली हम पहला सिनारियो जो हम लेते हैं वो अगर पूरा होता है तो हम देख सकते हैं कि इस तरीके का मूवमेंट आ सकता है। आप भी एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर आप सिनारियो एनालिसिस जरूर करिए, बिकॉज इससे आपका ट्रेडिंग काफी हद तक इजी हो जाता है। ठीक है, अभी हम अगले मीटिंग का अगर हम देखें तो फेड का एक मॉनिटर टूल है जिसमें वो लोग एक एस्टिमेट लेते हैं एनालिस्ट से और कंपनी से, ज्यादा तो लोग पता करते हैं इकोनॉमिस्ट से कि अगले इसमें कितना रेट हाइक आ सकता है। अगर आप देखो अगली मीटिंग का पॉज अभी 78% प्रोबेबिलिटी में चल रहा है, 25 बिप्स हाइक का 22% ही प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। तो ओवरऑल हाइक की पॉसिबिलिटी कम है, पर अगले 1.5 महीने में ये बदलती रहेगी जैसा डेटा आएगा। तो अगर आपको एक हायर सीपीआई मिला, तो अगर आपको कभी भी एक हायर सीपीआई मिलता है तो वो आपका रेटिंग कम्प्लीटली चेंज होगा। हायर सीपीआई के बाद आपका ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेट हाइक बढ़ जाएगा, अभी 22% है, बट ये आराम से ऊपर जा सकता है अगर डेटा सपोर्ट में नहीं आता है। तो कल के जो कीवर्ड्स थे जो एफओएमसी मीटिंग में है, तो ये 1 घंटे का जनरल मीटिंग होता है और मैं हमेशा मानता हूँ कि आपको ये सुनना चाहिए क्योंकि आपको काफी हद तक आइडिया आएगा कि फेड क्या सोच रहा है और मार्केट किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। तो कल उन्होंने बहुत सबसे बड़ा स्टेटमेंट कल का अगर आप देखो जो जेरोम पॉवेल ने कहा और जो हेडलाइंस बन चुका था हर जगह कि अभी फेड मेंबर्स एक रिसेशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक लास्ट 1.5 साल से वो लोग रिसेशन के बारे में बात कर रहे थे, वो लोग कह रहे थे हम रिसेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं Q3 में, पर जैसे ही Q3 आ गया उन्होंने सडनली अपना मन चेंज कर लिया कि रिसेशन नहीं आएगा। और ये टिपिकल होता है, अगर आप देखो अगर आप हिस्ट्री समझोगे ना, बेन बर्नानके जो 2007-08 में फेड चेयरमैन थे, सेम स्टेटमेंट बेन बर्नानके ने दिया था जस्ट 3 to 4 months बिफोर द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के रिसेशन नहीं आएगा। और एग्जैक्टली उसके 3-4 महीने बाद रिसेशन आया। तो इस बार भी जब फेड कहता है कि रिसेशन नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आएगा। ठीक है, इट इज जस्ट कि उन लोग को आज नहीं दिख रहा। और कभी कभी क्या होता है कि फेड भी अपने तरीके से मार्केट को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, क्योंकि अगर फेड बोले कि रिसेशन नहीं आएगा तो देर इज अ चांस शायद आ भी सके, तो वो हमेशा एक एक हम हमेशा हर वर्ड को थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट कर लेना चाहिए। हमेशा वो लोग डायरेक्टली नहीं कहते जो उनको कहना है, बट ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट था कल के इसमें कि रिसेशन नहीं आएगा, वो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे रिसेशन ना ना ये 3 महीने में, ना अगले 6 महीने में, ना 1 साल में। तो इससे थोड़ा एज अ इन्वेस्टर मुझे तो लगता है कि इसको कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहिए, बिकॉज फेड जनरली गलत रही है लास्ट 2 से 3 साल में। अगर आप देखो उन्होंने बोला इन्फ्लेशन ऊपर नहीं जाएगा, इन्फ्लेशन ऊपर गया। अगर आप देखो उनको लगा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से टाइटनिंग होगी, कंडीशन की टाइटनिंग नहीं हुई, उल्टा लूज कंडीशन अभी भी चल रहे हैं। एंड जब मार्च में जब बैंकिंग क्राइसिस हुआ US में, तब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी था मार्केट को अपने आप एक प्राइस डिस्कवर करने नीचे आने के लिए, बट उन्होंने क्या किया एज यूजुअल, उन्होंने 300-400 बिलियन डॉलर प्रिंट करके मार्केट में डाले और स्टॉक्स ऊपर चले गए और पूरा वापस हम ग्रीड में चले गए। तो जब भी फेड कहती है कोई चीज हमेशा उसको सच मान के नहीं लेना चाहिए, कभी कभी ये भी होता है कि वो बोलते कुछ है और करते कुछ और है, तो उनके भी सिचुएशंस डिफिकल्ट होते हैं, हम हमेशा जज नहीं कर सकते, बट हमें इंटरप्रेट करना है कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, एक पॉज के बारे में उन्होंने क्लियरली नहीं कही है, बट मार्केट में जो उन्होंने कही उसको एक पॉजिटिव स्पिरिट में ले लिया कि एक पॉज आ सकता है। अगर अगले 1.5 महीने में डेटा खराब आई इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन हाई आई और GDP ग्रोथ भी हाई आई, तो वो लोग एक और हाइक कर सकते हैं। और ये सारे हाइक्स अगर आप देखो, आप भी सोचते होंगे ये 25-25 कर रहे हैं बट कोई इम्पैक्ट तो दिख ही नहीं रहा है, मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है, कहाँ आप कोई टाइटनिंग कर रहे हो, कहाँ आप मौकिस बातें कर रहे हो बट मार्केट बुलिश है। तो ये हमेशा कहते हैं कि बातें कुछ और होती है, एक्शन कुछ और होती है। अगर वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग हॉकिश है पर वो लोग पैसे प्रिंट करके दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट एक्शन देखती है, मार्केट बातें नहीं देखती है। तो जिस जिस दिन ये लोग एक्चुअली हॉकिश होके पैसे ओवरऑल इक्विटी कम करेंगे, ओवरऑल अपना स्टांस बदलेंगे, उस दिन मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करेगी, अब वो वैसा रिएक्ट नहीं करती है। एंड स्पेशली जब बैंकिंग क्राइसिस के टाइम उन्होंने देखा किस तरीके से फेड ने बीच में आके पूरा संभाला उस चीज को, और किस तरह डेट सीलिंग भी रिजोल्व हो गया खुद के खुद, डेट सीलिंग का भी इशू था जो बड़ा इशू था US पे, वो भी रिजोल्व हो गया 4 ट्रिलियन और प्रिंट करके। तो ओवरऑल मार्केट अब समझती है कि
कि एक तरफ से कोई भी रिस्क नहीं है, तो फेड इंश्योर कर लेगी मार्केट को। उसको एक तरीके से फेड फूड भी कहते हैं कि फेड अगर है एक साइड पे तो वो साइड के हिसाब से ही खेलना चाहिए, क्योंकि यू के नॉट गो अगेंस्ट द फेड। फेड आर द नंबर वन पीपल इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मार्केट, उनके खिलाफ जाके आपको पैसे बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, फिर तो इन्फ्लेशन को उन्होंने ये कहा कि अभी तक जो इन्फ्लेशन आया है उससे वो लोग खुश है, बट आगे किस तरह इन्फ्लेशन चेंज हो सकता है वो उनको देखना पड़ेगा। तो वो एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इन्फ्लेशन का जो डेटा अगस्त 10 को आएगा वो काफी क्रूशल होगा, एंड वो अगर अबाव एक्सपेक्टेशन गलती से भी आ गया तो आपको एक और हाइक मिलेगा और मार्केट में थोड़ी सी डर आ जाएगी कभी। बट अगर वो बिलो एक्सपेक्टेशन या इन लाइन आया तो मार्केट विल कंटिन्यू जिस तरह का ट्रेंड वो चल रहा है। ठीक है, फिर वेज ग्रोथ अगर आप देखो, ओवरऑल वेज ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, एम्प्लॉयमेंट डेटा यूएस में काफी स्ट्रांग है, एंड हिस्टोरिकली रिसेशन तब हुआ है जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़े है। अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.7% के आसपास है यूएस में, जो 3.2 3.3 तक जा चुके थे कोविड के टाइम। अब अगर आप देखो, जब तक ये 4 4.5% ना चला जाए तब तक एक रिसेशन नहीं देखने मिलने वाला है। फिर आया बात डिफ्लेशन पे, तो अगर आप देखोगे चाइनीज डेटा आया था लास्ट मंथ जो 0% पे था इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, जो एक काफी बुरा डेटा है। इसका मतलब ये है कि चाइना में डिफ्लेशन होने की चांसेस है, एंड अगर आपको लगता है इन्फ्लेशन बुरा है तो डिफ्लेशन और बुरा है, एंड वो जब होगा आपको समझेगा। हम एक प्रॉपर वेबिनार रखेंगे इस बात पे डिफ्लेशन पे, क्योंकि वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है इन इन जनरल। ठीक है, तो ये कल के कीवर्ड्स थे, मेन आउटलुक यही था कि रिसेशन नहीं होगा, अदर देन दैट ज्यादा कुछ बातें नहीं की। ठीक है, फिर हम देखते हैं, चलो आज के फंडामेंटल को छोड़ के टेक्निकल के तरफ चलते हैं। तो आज एक इंडिकेटर का मैं बात करना चाहता हूँ, जो अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा इंडिकेटर है, बट इसकी अच्छी बात यह है कि इससे आपको ये समझता है कि मार्केट में जो प्राइस है एंड जो वॉल्यूम है उसका क्या रिलेशन। जनरली क्या होता है कि हम नॉर्मल वॉल्यूम जब जज करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि कौन कब बाय करे, कैसे बाय करे, बट वो डेली बेसिस पे होता है। ये आपको एक ट्रेंड देता है वॉल्यूम क्या है और किस तरीके से लोग खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। एंड ये बहुत ही सिंपल सा लाइन है, अगर आप अपने टेक्निकल्स में यूज करना चाहते हो कर सकते हो। देखो, एज ए ट्रेडर हम क्या करते हैं कि हम 15 से 20 टेक्निकल टूल्स यूज करते हैं, एंड सारे तो आप चार्ट पे डाल नहीं सकते। तो हम जनरली क्या करेंगे कि अगर दो चार में काम नहीं हो रहा है तो हम वो निकाल के और पास डालेंगे, या क्योंकि आप 20 इंडिकेटर साथ में डालो तो स्क्रीन बहुत ही छोटा लगता है, और बड़े स्क्रीन पे आप कर सकते हो, छोटे स्क्रीन में मुश्किल हो जाता है। तो आप आराम आराम से 5 5 इंडिकेटर यूज कर सकते हो, एंड ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बिकॉज आप एक रैली की स्ट्रेंथ देखना चाहते हो ना, तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। इसमें सिर्फ एक ये है कि आपको वॉल्यूम डेटा चाहिए होता है। तो अगर आप देखो, पहले हम इसका एक मेक समझते हैं। तो अगर आप देखो ये इसका, तो ये इसका तो ये अक्यूमुलेट, ये इसमें अभी डेटा नहीं है क्योंकि एक डॉलर का डेटा आपको मिलता नहीं है। तो अभी हम देखेंगे इसमें एक बार, ये US 100 का डेटा है, एंड अगर आप डेटा के सेटिंग में जाओ तो टाइम फ्रेम आप चार्ट के हिसाब से सेट कर सकते हो। तो अगर मैंने 1 महीने का ये किया है तो मुझे 1 महीने का डेटा मिलेगा, तो इट इज एज पर दैट। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बेस्ट है कि आपको एवरी सेकेंड एवरी वीक जिस तरह आपको डेटा चाहिए वो देता है। तो अगर आप देखोगे, ये अगर मैं 1 ईयर का लूँ, अगर 1 ईयर का वॉल्यूम डेटा अवेलेबल होता है तो ये चार्ट बना सकता है। और अगर आप देखो, ये 1 ईयर का चार्ट है एक्युमुलेशन, जिसमें मैं ये बाकी निकाल देता हूँ तो आपको इजीली समझेगा। अगर आप देखो इसमें फ्रॉम ईयर, ये जो आपका पॉइंट था 21 जून के आसपास जो पॉइंट था यहाँ पे, यहाँ से ये चार्ट वन साइड ऊपर जा रहा है, और ये बड़ा सा डाउन मूव आया। तो भी अगर आप देखो, ये बड़े से डाउन मूव में सेलिंग हार्डली आई, ये पूरे मूव में अगर आप देखो ओवरऑल जहां से बाइंग आई थी, यहाँ पे जिसने बाई किया, यहाँ पे जिसने बाई किया उसने यहाँ बिल्कुल नहीं बेचा। एंड ये बात हमें नहीं समझेगी जब तक हम ये चार्ट देख ले, हमें लगेगा कि यार ये तो यहाँ सेलिंग है, मतलब ये लोग सब की तो ये लोग सब लॉस में है, ये लोग सब निकल गए, पर इन्होंने किसी ने नहीं बेचा। वो लोग यहाँ पे जो खरीदे, लोगों ने लॉन्ग टर्म पे खरीदा रहा, वो लोग रुके थे कि बड़े मूव के लिए, और अगर आप देखो वो मूव एग्जैक्टली वैसे हुआ। और अभी तक ये चार्ट ऑलमोस्ट परफेक्टली, अगर आपको कह रहा है कि लास्ट जनवरी से ये चार्ट कह रहा है इसमें बेचने की कोई संभावना ही नहीं, अगर आप जनवरी से ये बेच रहे हो तो आई एम श्योर अभी तक आपके पैसे भी खत्म हो गए रहेंगे, एंड आप हम सिर्फ लॉस पे लॉस करोगे। क्यों? क्योंकि ये कहीं भी इसने ये आपको इंडिकेशन नहीं दिया कि आपको बेचना चाहिए।
अगर आप देखो ये इंडिकेटर बहुत क्लियरली आपको ये बता रहा है कि अगर आप यहाँ पे कहीं भी बेचते हैं, यहाँ पे थोड़े बहुत डिप्स आए बट अगर आप यहाँ कहीं भी बेचते हैं तो आप हमेशा लॉस में होते हैं, ठीक है। बहुत लोग ने बेचा है, देखो यहाँ पे बहुत लोग को लगा कि ये रैली यहाँ तक जाएगी, तो 13,500 बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था 13,500, और यहाँ पे मार्केट 2-3 बार आके, एक दो तीन बार रुका है, बट जैसे ये 13,500 पार हो गया तभी अगर आप स्टॉप लॉस रखते तो अभी तक आप एटलीस्ट पैसे बचा तो लेते, ठीक है। तो ये आपको क्लियर बता रहा है कि वन साइडेड मूव जब आते हैं मार्केट में तो आप किस तरह लॉन्ग रह सकते हो। तो अगर आपने नैसडैक को कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉन्ग किया होता 11,000 पे, आज आप 15,600 पे बैठे हो, 50% आपने इजीली कमा लिया विदाउट एनी वरी, और आपको और कोई इंडिकेटर देखना नहीं, बस ये देखना है। ये आपको पता है जिस दिन ये नीचे आना शुरू हो गया मतलब आपको पता है लोग अनवाइंड करे पोजीशंस और निकल रहे ट्रेड से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इसमें है कि अगर इसकी लाइन ऊपर जा रही है तो आपको पता है, और इसमें कोई लाइन क्रॉस करने क्रॉस ओवर का कुछ टेंशन नहीं है, एक ही लाइन है ऊपर जा रही है मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रही है तो नीचे जा रहा है। और अगर अगर आप देखो मेन एक और चीज इसके इसमें डाइवर्जेंसेस भी समझते हैं, और मैं डाइवर्जेंस आपको समझाता हूँ इस तरीके से। तो अगर आप देखो गोल्ड का इतना लंबा डेटा है नहीं, तो मैं गोल्ड का अगर 1 महीने का डेटा देखो, क्योंकि वॉल्यूम डेटा इसमें इतना अपडेट होता नहीं है, 3 महीने का डेटा है क्या डेटा, तो ट्रेडिंग व्यू के पास हमेशा ये डेटा होगा नहीं, तो गोल्ड में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, गोल्ड का इसमें डेटा दिख रहा नहीं है, तो मैं एक स्टॉक में दिखाता हूँ आपको। तो जनरली स्टॉक्स में लोग रखते हैं डेटा ये वाला, एंड अगर मैं आपको एक डे चार्ट का एप्पल का ये दिखाऊं तो आपको इसमें दिख जाएगा कि ओवरऑल कैसा ट्रेंड बैठ रहा है। तो इसमें एक चीज आपको देखना कि डेटा आपको शायद बराबर ना मिले तो थोड़ा रुक के कर लो, क्योंकि टाइम लगता है डेटा दिखाने के लिए। नियर टर्म डेटा इजीली दिखाता है, लॉन्ग टर्म डेटा थोड़ा मुश्किल है, तो जनरली ये डे चार्ट दिखा रहा था, अब क्यों नहीं दिखा रहा मुझे नहीं समझ रहा। करेंसी की दिखा, तो अगर आप देखो करेंसी जैसे हम कैड का देख रहे हैं सिंपल सा चीज, तो आप कैड में देख सकते हो कि कैड अगर यहाँ पे अप मूव यहाँ से आया था बट ये इधर नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब कि ये जो पूरा अप मूव आपको दिख रहा है ये पूरा आपको बिना कोई वॉल्यूम दिख रहा है, मतलब यहाँ कोई खरीदना नहीं है बड़े वॉल्यूम में, तो इसका मतलब ये यहाँ से टूटने की चांसेस ज्यादा है बिकॉज अभी भी ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है समझने, बिकॉज टेक्निकल में अगर आप देखो RSI का चार्ट है आपको एक डाइवर्जेंस दिख जाए जिसमें बाय हो जाए, बट आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे लोग कोई खरीद नहीं रहे, ओवरऑल बाइंग कम हो रही है, जो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो ये बॉटम्स के आसपास जब बाइंग बढ़ती है तब आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि चलो यहाँ से एक बार ऊपर का मूव आ सकता है, बट वो नहीं आया तो अलग बात। अगर आप देखो इसमें यूरो यूएसडी में आप देख सकते हो कि एक तरफ का सिमिलर चार्ट है टू द प्राइस, तो अगर आपका वॉल्यूम और प्राइस सेम तरीके से चल रहा है तो ये चार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेगा, बट हमें डाइवर्जेंस से ढूंढना है, जब इसमें डाइवर्जेंस दिखे तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है आपको बाई या सेल करने के लिए। तो एक और एक कंफर्मेशन जैसा होता है कि आपका ट्रेड आपने जो लिया है वो सही लिया है कि गलत लिया है, तो वो आप इसके थ्रू देख सकते हो, सिंपल सा इंडिकेटर है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और एक एडिशनल, अगर आप एक इन्वेस्टर भी हो, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपने कोई स्टॉक पे डाला है पैसे, आपको अगर देखना है यार इसकी ट्रेंड कैसी है, लोग अक्यूमुलेट कर रहे हैं कि लोग बेच रहे हैं, तो ये एक बहुत ही सिंपल सा इंडिकेटर है और इसमें आप आराम से कर सकते, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, वरना हम वेबिनार एंड करेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू उसको आने के लिए वेबिनार के लिए, अच्छा लगता है आपसे हर हफ्ते कुछ नए टॉपिक के लिए बात करना। ओके महेश जी गोल्ड के बारे में पूछ रहे हैं, तो गोल्ड में सर अभी तक मैं बुलिश नहीं हूँ, जब तक 2,000 क्रॉस ना हो जाए, ओवरऑल 1985-88 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है, जब तक वो पार ना हो जाए तो गोल्ड में अप मूव नहीं दिखाई दे रहा है, तो नीचे की तरफ 1965 और 1955 का सपोर्ट है, तो 65 और 55 तो बाइंग कर सकते हो, 85 to 88 के टाइम आप बेच सकते हो, स्टॉप लॉस 2,000 का रख के ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप वो आपका क्वेरी सॉल्व कर दे महेश जी।
थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू वेबिनार। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हर हफ्ते एक इंटरेक्शन होता है तो एक अलग एक अच्छी फील आती है एंड कुछ नया सीखने भी मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हेलो मिलते हेलो, हैं। नमस्कार हाँ नमस्कार नमस्कार विनय सर, नमस्कार नमस्कार नरेश जी, बोलो बोलो। सर। एक्चुअल में इंडिकेटर का नाम क्या है, हमको तो नाम भी जानना है सर। अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये नाम ये रहा आपका। अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है वो। अच्छा, उसमें कहाँ हमें ट्रेडिंग व्यू में फ्री है कि पेड है? फ्री फ्री है, फ्री है, फ्री है, आप यूज कर सकते हो। है ना? ओके, क्या यस, नाम है सर इसका? अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ये आपका नाम है। इधर ही आपको फोटो ले लो इसका। ओ स्क्रीनशॉट ले ओके लें? सर, ओके सर, ले लिया ले लिया। ठीक है सर, ओके थैंक यू सर। ओके। थैंक यू नरेश जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए ओके टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक ओके, थैंक यू सर। यू।